हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी रिसेंटली जो सीपीओ 2022 का एग्जाम हुआ था, उसकी आंसर कीज आउट हो चुकी हैं। ठीक है, तो देखिए, इस बार सीपीओ के एग्जाम में बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ठीक है, तो हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और देखिए, हम कंप्लीट पेपर को डिस्कस करने के बजाय अगर चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो भी नए कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में डिफरेंशिएट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसी देखिए, इस लेक्चर में हम जो भी आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपके सीपीओ 2022 में सारे जितने भी सेक्टर में पेपर हुआ था, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ज्योमेट्री के, हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री के भी काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले थे इस बार। ठीक है, और हमेशा की तरह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आएंगे और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस जो आए हैं, नए कॉन्सेप्ट के ऊपर आए हैं, वो भी सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, आपके सीपीओ 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ज्योमेट्री के, उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए, जो आपका एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जाम होना है 1 से 13 दिसंबर के बीच में, ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये सेशन। ठीक है, देखिए, आप कंप्लीट लेक्चर को आप देखिए एक बार, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं, लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए, इतना तो आपका फर्ज बनता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपके जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे एसएससी सीपीओ 2022 के एग्जाम में, उनको बिल्कुल बेहतरीन, बहुत ही अच्छी अप्रोच के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है, इन द गिवन फिगर, ये जो आपको फिगर गिवन है, ए बी इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस आर। देखिए, ये जो ए बी है ये आपको ट्वाइस गिवन है, इसके ट्वाइस, आर की ट्वाइस। ठीक है, ये वाली, ये 2r के बराबर है एक्चुअल में। ठीक है, ठीक है, और देखिए ये रेडियस है r, तो ये भी आपकी रेडियस है, ये भी r है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी, ओ ए बी यानी कि ये जो आपका सेक्टर है इसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको पता है, एक फॉर्मूला आपको जरूर पता होगा कि आपका जो एंगल होता है, जो थीटा, वो क्या होता है आपका, यानी कि आपका होता है आर्क, आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, आर्क कितनी है आपकी, आर आर आर्क कितनी है आपकी, 2r। ठीक है, अपॉन में r, तो यानी कि आ चुकी है आपकी थीटा की वैल्यू आ चुकी है 2 रेडियन। ठीक है, 2 रेडियन को आप क्या करेंगे, इसको डिग्रीज में बदल लीजिए, तो 2 × 180/π, मतलब कि आ चुका है आपका 360/π डिग्री। ठीक है, ये आपका थीटा की वैल्यू आ चुकी है। आपसे पूछा है एरिया, देखिए आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है आपका, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू में आर की वैल्यू आपने क्या निकाली है, सॉरी आर की वैल्यू तो आर ही है, पाई आर स्क्वायर, आर की टर्म में आपको एरिया निकालना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, थीटा की वैल्यू आप ये रख दीजिए 360 अपॉन में पाई, तो थीटा की जगह पर 360 अपॉन में पाई, अपॉन में ये 360 है ही नीचे, ठीक है, इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका पाई से कट जाएगा, पाई 360 से 360, आपका बचेगा केवल आर स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 1:1:2, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इंटरनल एंगल इज द ग्रेटेस्ट एंगल, इनकी मतलब कि इनमें से जो सबसे बड़ा एंगल है वो टोटल एंगल्स का कितना परसेंट है। ठीक है, अब देखिए आपके हिसाब से कितना है टोटल, 1 और 1 2 और 2 4,
हमारे हिसाब से चार है और सवाल के हिसाब से कितना होता है त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। अगर एक की वैल्यू 45 है तो आपके तीनों एंगल्स कितने कितने बन जाएंगे 45, 45 और आपका 90। ठीक है, अब इनमें से मुझे बताइए सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, आपका 90। अब कह रहा है ये 90 टोटल एंगल्स टोटल सम कितना होता है त्रिभुज के तीनों एंगल्स का, 180 कितना परसेंट है। ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपका 1/2, 1/2 आपका कितना होता है 50%, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर टू ट्रायंगल्स सच दैट ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांग सम दे रखे हैं कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ डी ई। ठीक है, ए बी 5 है, देखिए हम बना लेते हैं, पहले मान लेते हैं दो ट्रायंगल्स हैं, ये एक ए बी सी है और एक बोला इसने एफ डी ई। ठीक ठीक है, नाम दे देते हैं, देखिए ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा है, देखिए यहां जहां दोनों के बीच में जो साइन होता है हमेशा इन्हीं को लेके चलेंगे आप, एफ डी ई, चाहे वो कॉन्ग्रुएंट है चाहे वो सिमिलर है। ठीक है, एफ डी ई। ठीक है, ए बी आपको 5 गिवन है, ए बी आपको 5 गिवन है, ये ए बी है, ये 5 गिवन है, एंगल बी आपको 40 गिवन है, ये एंगल आपको 40 गिवन है, एंगल ए 80 गिवन है, तो आप मुझे बताइए तीसरा एंगल कितना बचेगा आपका, 80 और 40 120, त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180, तो ये बचेगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू, देखिए आपका अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होगी आपकी, और तीनों साइड्स बराबर होंगी, तीनों एंगल्स बराबर होंगे, तो आपका ये, अब देखिए एंगल ई एफ डी ई ये गिवन है, तो अगर एंगल ये 60 है तो आपका ये एंगल भी 60 होगा, तो आप देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा है डी एफ 5 और एंगल ई 60, तो एंगल ई 60, इसलिए ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाकी ऑप्शन देखिए सेटिस्फाई करेंगे नहीं, डी ई 5 है, डी ई 5, भाई ये अगर हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से डी 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 थे सब में, वो हमारे ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी के है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक, ए बी सी के पैरेलल एक लाइन खींची गई है डीई। ठीक ठीक है, ये इसके पैरेलल है, नाम दे देते हैं डीई। ठीक है, बोल रहा है इन सच ए वे दैट ए डी बी, ये इन्होंने गलत टाइपिंग मार्क किया है, ये क्या है, डीई पैरेलल बी सी कुछ इस तरीके से गिवन होगा, इफ मेजर ऑफ एंगल ए सी बी 40 है, अगर ए सी बी अगर ये एंगल 40 है तो आप मुझे बताइए ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी आपका 40 होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ये एंगल भी हो जाएगा आपका 40 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल डी ए ई प्लस में मेजर ऑफ एंगल ए डी ई, डी ए ई मतलब कि ये वाला एंगल एंड ए डी ई ये वाला एंगल, इनका सम आपसे पूछा है, आप मुझे बताइए त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, जिसमें से अगर ये एंगल 40 है तो इन दोनों का सम कितना बचेगा आपका 140, तो 140 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर एन एक्यूट एंगल एक्स फाइंड साइन एक्स, इट इज गिवन दैट टेन एक्स बराबर 5। एक्चुअल में ये चाहे इसको, ये एक्चुअल में है आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बट कुछ कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने इसको ले लिया। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें बोल रहा है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर एक्यूट एंगल एक्स, तो यानी कि इस एंगल को अगर मैं एक्स मानता हूं, फाइंड साइन एक्स, हमें साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें टेन एक्स 5 गिवन है, 5 को क्या लिख सकते हो आप, 5 अपॉन में 1 लिख सकते हो, बिल्कुल, तो टेन एक्स क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में 20, तो ये 5 है तो ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 25 और 1 26, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 26। आपसे पूछा है साइन एक्स क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो आपका साइन एक्स होगा कितना 5 अपॉन में रूट 26, ये आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं,
देखिए क्या कह रहा है, इन दी गिवन फिगर ए बी आपको 8 गिवन है, ये ए बी आपको 8 और ए सी आपको 17 गिवन है, ठीक है। देखिए अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, ये 8 है ये 17 है, तो ये बेस कितना हो जाएगा आपका, ये 15 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डी, ये ए डी की लेंथ, देखिए मैंने आपको जब ज्योमेट्री की एक थ्योरी वाली क्लास कराई थी तो मैं आपको कितनी कितने अच्छे से बताया था मैंने, ये वाली जो लेंथ होती है एडी, ये क्या होती है आपका, इसका स्क्वायर अपॉन में ये, ठीक है। तो 8 8 64 एडी की लेंथ जो आपकी होगी वो होगी 8 8 64 अपॉन में एसी मतलब कि 17, ठीक है। भाग दीजिए 17 थी 51, बचे कितने आपके 13, 130, 17 17 119, 3.7, देखिए एक ही ऑप्शन में है, 3.76 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगर देखिए आपको डीसी पूछी होती तो आपका क्या बनता, डीसी आपका सी बी का स्क्वायर अपॉन में सी ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैं लिख देता हूं, चलिए सी डी अगर आपको पूछी होती तो आपका बनता सी बी स्क्वायर अपॉन में सी ए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है पी क्यू एंड आर एस आर दी टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सच दैट पी क्यू इज 48 एंड आर एस इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द कॉर्ड्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 22 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है, एक सर्कल गिवन है हमें, ठीक है। बोल रहा है कि ये सेंटर है, सेंटर के दोनों साइड में दो कॉर्ड हैं, ठीक है, एक की लेंथ है 48 और एक की लेंथ है आपकी कितनी 40, ठीक। मान लेते हैं ये 40 है और जो बड़ी है थोड़ी उसको 48 मान लेते हैं, ये 40 है और देखिए डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स गिवन है आपको 22, ठीक है। देखिए अगर आपको ये टोटल 40 गिवन है तो अगर मैं सेंटर से यहां पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो हमें पता ही मिड पॉइंट पर जाके मिलता है, तो ये 20 20 हो जाएगी, ठीक। इसी तरीके से अगर ये 48 है तो ये कितनी हो जाएगी 24 24, ठीक है। आपसे पूछिए रेडियस, अब एक काम करिए आप इस रेडियस को ऐसे रेडियस मिला दीजिए और इस तरीके से मिला दीजिए, ठीक। अब देखिए अगर आप थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाने की कोशिश करते हो तो आप क्या पाएंगे, हमें पता है आपका एक तो होता है 7 24 25 का ट्रिपलेट, 7 24 और 25 का, ठीक है, और एक होता है आपका 24 के केस में 5 बार है 13 तो 10 24 26, ठीक है। अब आपसे रेडियस पूछिए, अगर आप 26 देखते हो तो 26 आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, तो आप अपना 25 पे चेक करके देखेंगे, ठीक है। अगर मैं रेडियस को 25 मानता हूं तो ये अब मेरा 7 होगा और ये टोटल जो डिस्टेंस है सेंटर्स के बीच में वो गिवन आपको 22, ठीक है। अगर ये टोटल 22 है जिसमें से ये 7 है तो ये कितनी बचेगी आपकी 15, ठीक है। अब देखिए 5 15 5 24 तो 5 5 25, इधर से भी आपकी रेडियस 25 से सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तो आपकी रेडियस जो होगी वो 25 हो जाएगी। आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, दी एरियाज ऑफ दी टू सिमिलर ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर 64 एंड 144 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, इफ द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ दी स्मॉलर ए बी सी इज 24 देन व्हाट इज दी ग्रेटेस्ट साइड ऑफ दी बिगर पी क्यू आर। अब देखिए इसका स्मॉलर और बिगर देने का मतलब है, अगर ये स्मॉलर का 24 है तो बिगर वाले की 24 से तो बड़ी ही आएगी, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस बड़े हैं तो कोई बात नहीं, हम निकाल के देखेंगे। देखिए अगर आपका एरिया का रेशियो 64 144 है तो मैं कह सकता हूं कि साइड का रेशियो कितना हो जाएगा 8 बटे 12, ठीक है, 8 8 64 12 12 144, ठीक है। आपको जो छोटी छोटी वाली ट्रायंगल है उसकी जो सबसे बड़ी साइड है उसकी लेंथ गिवन है 24 और जो बड़ी वाली है उसकी मैं मान लेता हूँ सबसे बड़ी साइड एक्स मान लेता हूँ, चलिए जो मुझे निकालना है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 8, 4 3 12, ठीक है, और 2 से कटे, सॉरी 4 2 8 और 4 6 24, 2 से कटेगा आपका 3 बार तो 12 3 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 36, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इफ द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर आर इंक्लाइन टू इच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज। तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी मैं आपको थ्योरी वाले पोर्शन में भी अलग से बता चुका हूं बहुत डिटेल में, ठीक। अब देखिए इसने बोला है कि दो टेंजेंट 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, झुके हुए हैं, मान लेते हैं ये दो टेंजेंट है इस तरीके से और ये आपस में जिस
डिग्री पर झुके हुए हैं, ये एंगल बना रहे कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। और बोला है रेडियस 3 है, ठीक है। अगर मैं इसका सेंटर मान लेता हूं यहां ओ, ठीक, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक ठीक है। अगर मैं यहां से इसको मिला देता हूं, ठीक, तो हमें पता है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बचता है और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनती हैं, ठीक है। तो इधर भी इतनी, इधर भी इतनी। इसने बोला है कि यहां 60 डिग्री का है, तो ये यहां एंगल बाइसेक्टर भी बनेगा, क्योंकि दोनों सिमिलर रहेंगी, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेंगी, तो ये वाला एंगल आपका कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का, ठीक। अगर ये 30 है तो मुझे बताइए रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, 90 30, तो ये वाला एंगल कितने का बचा आपका, 60 डिग्री का, ठीक। इसने बोला है रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 है आपकी, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि देन दी लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी ये लेंथ पूछ रहा है। आप मुझे बताइए 30 के सामने होता है आपका 1 और 60 के सामने होता है आपका √3, ठीक। अगर आपको 1 की वैल्यू आपको 3 गिवन है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3√3। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 तो आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। इफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर, ये रेक्टेंगल की लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का, 2 * में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 18, 10 और 8 18, 18 दूनी 36। और ये गिवन है आपको स्क्वायर के पेरीमीटर के, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है आपका, 4a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4a के बराबर, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 9, ठीक है। अगर a की वैल्यू 9 है, तो इसने बोला है देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया कितना हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर 9 * 9 = 81, 81 विल बी द करेक्ट आंसर, 81, ठीक है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल मेजर्स 170। अगर देखिए दो एंगल हमें बराबर हैं, तो मैं, हमें पता है त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं अल्फा अल्फा मान लेता हूं दोनों एंगल्स को, तो 2α + 70 बराबर मेरा 180 होगा, ठीक है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में 70 जाएगा 110, तो यानी कि 55। यही इसने पूछा है, व्हाट इज दी मेजर ऑफ ईच ऑफ दी अननोन एंगल्स, तो 55 डिग्री होगा, ऑप्शन 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है इन दी फॉलोइंग फिगर पीटी आपको 12 गिवन है, ये पीटी आपको 12 गिवन है, ठीक है, और पी बी आपको 24 गिवन है, पी बी टोटल लेंथ आपको गिवन है ये 24, ठीक है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ ए बी, ये आपसे पूछी है ए बी की लेंथ, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए इस ए बी को निकाल लीजिए, ए पी को निकाल लीजिए पहले, फिर 24 में से हम ए पी को घटा के ये भी आ जाएगी, तो मैंने ए पी को मान लिया एक्स। देखिए ये भी मैं आपको थ्योरी के लेक्चर में बता चुका हूं इस कॉन्सेप्ट को, क्या होता है कि जब भी ये टेंजेंट है और एक हमारी ये सीकेंट लाइन है, तो क्या बनता है हमारा पी टी स्क्वेयर, में लिख देता हूं एक बार, पी टी स्क्वेयर बराबर बनेगा हमारा पी ए इंटू में पी बी, ठीक है, यानी कि P से यहां तक और फिर ये पूरी PB, ठीक है। तो देखिए PT कितना आपका, 12 * 12 = 144 बराबर बनेगा आपका X इंटू में टोटल कितना है आपका, 24, 24 से कटेगा ये 6 बार, तो X की वैल्यू आ चुकी है आपकी 6। अगर X की वैल्यू 6 है, टोटल 24 है, तो ये वाली कितनी बचेगी आपकी, ये वाली लेंथ बचेगी आपकी 18, भाई ये आपकी 6 आ चुकी है, तभी तो ये 24 बनेगी, ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर दी सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, ये ओ सेंटर वाला एक सर्कल है, हैज रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस आपको गिवन है 10, ठीक है। द रेडियस ऑफ दी सर्कल विद सेंटर पी इज एक्स, यानी कि ये सेंटर पी के साथ में जो हमारा सर्कल है, इसकी रेडियस आपको गिवन है कितनी, एक्स, ठीक है। एस टी आर इज कॉमन टेंजेंट, ये एस टी आर आपको कॉमन टेंजेंट गिवन है, ठीक है। टू द टू सर्कल्स एट आर एंड एस, यानी कि आर और एस पर, ठीक है। शोन इन द फिगर आर टी आपको 16 गिवन है, आर टी ये वाली लेंथ आपको 16 गिवन है, एन टी एस आपको 24 गिवन है, ये वाली लेंथ आपको 24 गिवन है। देन व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक
है, थोड़ा घुमाने की कोशिश किया क्वेश्चन को, नथिंग मोर देन इट। तो देखिए आप बड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री, और यहां भी आपका टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री, और देखेंगे तो आपका ये अपोजिट एंगल्स बराबर, ठीक है। अगर त्रिभुज के दो एंगल्स आपस में बराबर हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, जिसको मैं अल्फा अल्फा मान लेता हूं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए बड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं आपको सिमिलरिटी लगा रहा हूं। अगर मैं कहूं मेरे को ये निकालनी है, तो सबसे पहले मैं इसी की बात कर लेता हूं, इस छोटी वाली में, इस ट्रायंगल में, इसको जो ये अपोजिट एंगल्स है, मैं इनको चलो मैं बीटा बीटा नाम दे देता हूं इनका, ये बीटा है ये बीटा है। तो इस छोटी वाली में बीटा के सामने 10 है, मैं सिमिलरिटी लगा रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं एक बार लिख देता हूं, ट्रायंगल आपका ओ आर टी सिमिलर है ट्रायंगल टी एस पी के, ठीक। अब देखिए मैं सिमिलर है तो मैं सिमिलरिटी लगा रहा हूं, बीटा के सामने इस छोटी वाली में 10 अपॉन में, इसमें बीटा के सामने आपका एक्स जो आपको निकालना है बराबर। अब देखिए आपका इस अल्फा के सामने इस छोटी वाले में कितना है, 16, और इसमें अल्फा के सामने कितना है आपका, 24, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे बताइए कितना बनेगा आपका, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से कटेगा 10 5 बार, 5 तिया 15, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 15। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 8 बार है 16, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया निकालने के लिए देखिए ये बिल्कुल यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल की ये ट्रिपलेट्स तो बन नहीं रही, तो आप क्या करेंगे, अपना सिंपल हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर तीनों का सम कितना हो गया आपका, 12 और 8 20, 20 और 16 36, 36 का आधा 18, ठीक है। अब आप एरिया निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एस इंटू में एस माइनस बी एस माइनस सी, तो 18 इंटू में 18 में से 8 गए तो 10, इंटू में 18 में से 12 गए तो 6, इंटू में 18 में 16 गए तो 2, ठीक। अब देखिए आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें से आप 9 बाहर ले लीजिए तो 2 बचेगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और आपका इसमें से आप एक काम करिए, 3 3 दूनी 6, और इसका 2 और 2 4, तो यानी कि 1 2 बाहर ले लीजिए, ठीक है। और आपका यहां से 5 रहने दीजिए और ये 2 बाहर ले लीजिए, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 3 12 है, और अंदर बचेगा 15, तो 12√15 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ये सेम वही उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है, ए बी इज ए कॉमन टेंजेंट, ये ए बी आपका कॉमन टेंजेंट है बोथ टू दी बोथ दी सर्कल्स इन द फिगर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस करेक्ट टू टू डेसिमल बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ दी टू सर्कल्स, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए आप एक काम करिए सबसे पहले कि आप सबसे पहले ये लेंथ निकालिए एक्स, ठीक है। एक्स कैसे निकालेंगे, आप अपने वही सिमिलरिटी लगा के, ठीक है भाई, ये 90 डिग्री आपका, ये 90 डिग्री, ये आपस में कॉमन है, ये कॉमन है, तो तीसरा एंगल आपका ये बचा, और तीसरा इसमें बचा आपका ये, ठीक है। आप एक काम करिए, पहले ये जो दोनों अपोजिट हैं, इस छोटी वाली में अपोजिट के सामने 5 अपॉन में, इसमें आपका अपोजिट के सामने एक्स बराबर, अब दोनों साइड आपको 8 और 24 गिवन है, तो ये कॉम ये जो आपका ये तीसरा एंगल बचा, इस सी के सामने 8 अपॉन में, इसमें आपका जो कॉम तीसरा बचा इसके सामने 12 है, ठीक। ठीक है, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, कितना बनेगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 5 तिया 15/2, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.5 या 15/2, ठीक। ये जो वैल्यू आ चुकी है आपकी, ये आ चुकी है 15/2, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हमसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, अब आप मुझे बताइए जो ए बी है आपको क्या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लाइन दिख रही है, बिल्कुल, तो मुझे बताइए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यह होता है आपका डिस्टेंस का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर माइनस में R1 प्लस में R2, यहां प्लस आता है ट्रांसवर्स में, और जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है उसमें आता है आपका माइनस, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए
आपका डी, ये तो आपको निकालना है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ आपको कितनी दिख रही है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की आपको दिख रही है 12 है और 8 20, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 20 बराबर डी स्क्वेयर, यहां बनेगा आर वन प्लस में आर टू, आर वन है आपकी 5 और ये है 7.5, यानी कि 12.5, 12.5 को आप लिख सकते हो 25/2, और स्क्वेयर करेंगे तो 625/4, ठीक। इधर जाके ये सम होगा तो आपका बनेगा, देखिए डी स्क्वेयर बराबर आपका बनेगा कितना बन जाएगा आपका 20 चौक 80, 20 20 आपका बन जाएगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना बना आपका 12 और 8 20, ठीक है। डी स्क्वेयर आपका बनेगा, देखिए आपका बनेगा 20 प्लस में 625/4, ठीक है। कितना बनेगा आपका 20 चौक 80 और आपका 625, ठीक। देखिए आप एक काम करिए, क्योंकि आपने यहां अंडर रूट नहीं लिया है, अंडर रूट नहीं लिया है तो आप इधर स्क्वेयर कर दीजिए इसका, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 20 20 400 बन जाएगा ये, ठीक। तो आप कितना बनेगा 4 चौक 1600 और 600, 1600 और 600 2225, ठीक ठीक है। तो डी की आपकी वैल्यू आएगी लगभग में कितनी आ जाएगी मुझे बताइए, अगर आप इसका अंडर रूट लेते हो तो 4 चौक 16 बचे आपके 6 62, ठीक है, और 4 दूनी 8 8, देखिए आप एक काम करिए 2225 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो वो वर्गमूल निकालेंगे तो आपका बनेगा 5 5 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16 बचेगा आपका 6 उतार लिया 25, 4 का दुगना 8 8 2 64 7 बार जाएगा, तो लगभग 47 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब देखिए आप, आपकी ये आई है डी की वैल्यू, ठीक डी की वैल्यू, क्योंकि स्क्वेयर में था भाई ये, इसके अपॉन में 4, ये इस तरीके से है, ठीक है, ये डी स्क्वेयर के बराबर है। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू इसका अंडर रूट आ जाएगा, ठीक। तो अगर जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये जो डी की वैल्यू आपकी बनेगी, मैं इधर लिखता हूं, चलिए जो आपकी डी की वैल्यू बनेगी वो बनेगी आपकी 2225 अंडर रूट का और अपॉन में बनेगा आपका 2, क्योंकि 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका अंडर रूट निकाला आपने 47 अपॉन में 2, तो ये आएगा आपका 23 पॉइंट समथिंग, 23 पॉइंट समथिंग, तो एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है 23.58 यूनिट, तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, एज शोन इन दी फिगर, ये आपको एक फिगर दिखाई दे रही है, इन साइड दी लार्ज सेमी सर्कल, ये आपको बड़ा सेमी सर्कल है, 3 सेमी सर्कल्स विद इक्वल रेडिया, ये समान रेडियस के 3 छोटे छोटे सेमी सर्कल्स इसके अंदर हैं, आर ड्रॉन सो दैट देयर डायमीटर्स ऑल सिट ऑन दी लार्ज सेमी सर्कल्स डायमीटर, यानी इनके जो डायमीटर्स हैं वो बड़े वाले सेमी सर्कल के डायमीटर पर लाई करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन दी रेड टू ब्लू, एरियाज का रेशियो बताना, रेड और ब्लूज के एरियाज का, ठीक है। आप मुझे बताइए, देखिए आप अगर मैं ये जो टोटल लेंथ है, अगर मैं देखिए ये छोटे छोटे सर्कल्स हैं, इनका डायमीटर दो दो मान लेता हूं, तो ये आपका ये 2, ये भी 2, तो ये भी 2, तो टोटल ये आपका बड़े वाले का डायमीटर कितना हो गया 6, तो बड़े वाले की रेडियस को अगर मैं कैपिटल आर मानता हूं तो ये बन गई आपकी 3, और छोटे वाले का अगर आपने डायमीटर 2 माना है तो इनकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1 1, ठीक है, ये 1 और ये भी 1, तो इसी तरीके से यहां आप देखते हो तो ये भी 1 ये भी 1, तो छोटे वाले की मैं रेडियस स्मॉल आर मानता हूं तो इसकी रेडियस आ चुकी है 1, ठीक। अब देखिए अगर आप एरिया निकालते हो बड़े वाले, इस बड़े वाले सेमी सर्कल का, ठीक है, देखिए आपको तो रेशियो ही निकालना है, तो आप सेमी सर्कल ले लीजिए चाहे फुल सर्कल ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका बनेगा बड़े वाले सेमी सर्कल का, देखिए रेड से लेना है, तो छोटे वाले सेमी सर्कल कितने हैं आपके, 3 है, सबसे पहली बात 3 इंटू में टोटल जो सर्कल होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई इंटू में 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 2, ये बनेगा रेशियो। आपको ब्लू वाला एरिया निकालना है, ठीक है, ये वाला, तो आप मुझे बताइए अगर टोटल के एरिया में से आप रेड वाला घटा दोगे तो आपका ये वाला बच जाएगा, तो टोटल में से आपका आपका बनेगा, देखिए टोटल का मैं लिखता हूं आपका पाई
8 स्क्वेयर, यानी कि टोटल का एरिया तीन तीन के स्क्वेयर में से आप एक का स्क्वेयर घटाओगे, ठीक है भाई, आपका बनेगा 3 3 9, ठीक है, 9 में से आप तीन एक-एक रेडियस के तीन सर्कल घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 9 में से 3 जाएगा तो यानी 6 बचेगा, 6 और आपका बनेगा पाई आर स्क्वायर, ये आ गया आपका 6 पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो ये 2, तो आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका बनेगा कितना, 2 से कट जाएगा 2, पाई से कटेगा पाई और 3 2 6, तो आपका बनेगा कितना 1:2, ठीक, ऑप्शन 2। आई होप आपको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर 62 186 एंड 279, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ दी टेप दैट वुड बी एबल टू एग्जैक्टली मेजर ईच ऑफ देम विदाउट एनी फ्रैक्शंस। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहां लिया है कि आप कंफ्यूज मत होना कि ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है या फिर एक ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपसे हाईएस्ट कॉमन लेंथ पूछ रहा है, ये ग्रेटेस्ट लेंथ। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप कैसे निकाल पाएंगे एचसीएफ, एक काम करिए इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 6 में से 2 गए तो 4, 18 में से 6 गए तो 12, ठीक है, और 279 में से 186 घटाएंगे, इसमें से इसको घटाइए तो आपका बनेगा 9 में से 6 गए तो 3, 27 में से 18 गए तो 9। अब आप देखिए इन दोनों में ये आपको क्लियर दिख रहा है कि ये भी 31 का 4 गुना है, ये 31 का 3 गुना है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो अगर आपको नहीं दिख पा रहा तो आप इनका भी डिफरेंस ले लीजिए, 4 में से 3 गया तो 1, 12 में से 9 गए तो 3, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 31, ठीक है, ऑप्शन 3, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ठीक है, आप एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है, ये आपका एक अलग फिगर दे रखा है सर्कल में जिसमें एंगल गिवन है, या तो ये फिगर इसी के साथ कहीं ना कहीं अटैच होनी चाहिए थी, इस एक्स की वैल्यू आप कैसे निकाल पाओगे, सेपरेट फिगर में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है, इसलिए ये गलत क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, दी एरिया ऑफ ए सर्कल इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वेयर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक्चुअल में इसको आप मेंसुरेशन में काउंट कर सकते हो, बट मैंने ये किस लिए लिया है, आपको ये समझाने के लिए कि मैंने आपको उन चीजों की कितनी वैल्यू है, अगर आपको याद है तो, जो मैंने आपको बताया था, अगर हमारी रेडियस, पेरीमीटर और एरिया की मैंने आपसे बात करी थी, अगर रेडियस 7 है तो पेरीमीटर 44 होता है और एरिया हमारा होता है 154, ठीक है, अगर आपने रेडियस को कर दिया डबल, ठीक है, तो रेडियस होगी आपकी 14, तो ये पेरीमीटर भी हो जाता है आपका डबल 88 और एरिया होगा आपका 4 गुना, ठीक है, 2 का स्क्वायर गुना, तो यानी कि बनेगा आपका 616। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने रेडियस को कर दिया 3 गुना, ठीक, तो मैंने रेडियस को कर दिया 21, तो मेरी जो पेरीमीटर है वो भी हो जाती है 3 गुना, तो बनेगा 132, ठीक है, और अगर मैं इस एरिया को भी 3 गुना, अगर अगर मेरी रेडियस 3 गुना हुई है तो मेरा जो एरिया होगा वो 3 का स्क्वायर टाइम्स होगा, यानी 9 9 गुना होगा, तो 9 चौक 36, हासिल का 3 15 9 135 और 3 138, यानी कि 1386। अब आपको अगर ये चीज याद थी कि 3 गुना करने पर हमारा 1386 आता है एरिया, मैंने आपको याद करने के लिए बोला था इस चीज को, ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये 1386 आपका कब आता है, जब आपकी रेडियस 3 गुना 21 हो, ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, ठीक है, ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। देखिए आपसे बोल रहा है एक सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड है, उसकी लेंथ आपके रेडियस के बराबर है, ठीक है, अब मैंने ये एक कॉर्ड ले ली, ठीक, और इसकी जो लेंथ है, अगर मैं सेंटर यहां मानता हूं कहीं, तो इसके बराबर है, ठीक, ये आपस में बराबर है, ठीक है, मैं और थोड़ा इधर करता हूं, मान लेते हैं ये कॉर्ड है और आपकी इसी के बराबर की लेंथ की आपसे रेडियस गिवन है, ठीक, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, अगर ये दोनों और इनकी लेंथ है 9 और ये भी 9, आप मुझे बताइए रेडियस है, तो क्या आप इसको मिलाओगे तो ये रेडियस नहीं होगी, बिल्कुल रेडियस होगी, इसका मतलब ये भी 9 होगी। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये आपको एक
इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज दिख रही है। आपसे पूछा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द मेजर सेगमेंट। ये आपका ये जो आर्क है, ये मैं अगर मैं इसका नाम दे देता हूं ए बी, इस मेजर आर्क द्वारा ये आप ये आपकी माइनर आर्क है, तो ये ए बी ये आपकी मेजर आर्क है, इसमें कितना एंगल बनेगा आप मुझे बताइए कि सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बन आपका, प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज का, 60 डिग्री का। अगर आप इस आर्क द्वारा ए बी द्वारा सेंटर पर एंगल 60 बनाया गया है, तो इस मेजर आर्क में आप कहीं भी एंगल बनाएंगे तो आपका बनेगा कितना, इसका हाफ यानी कि 30 डिग्री। तो आपका ये वाला जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का हो जाएगा आपका, 30 डिग्री का, 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन 3। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा और सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। देखिए पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ए टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बगैर कुछ किए इसमें 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए मान लेते हैं एक सर्कल है, बोल रहा है कि ए टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए। मान लेते हैं यहां कहीं एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ठीक है, ये पॉइंट है आपका ए और एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ठीक है, टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, और इस सर्कल की जो रेडियस है आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। मान लेते मैं सेंटर ओ मानता हूं, तो ये आपकी ये गिवन है आपको बार है। ठीक है, ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 5, ठीक है, ये आपको थोड़ा अलग टाइप में दिख रहा है, मान के चलिए ये 5 है ये 12 है और आपसे पूछा है सेंटर और उस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ए, तो यानी कि यहां से यहां तक डिस्टेंस 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, आपका ये कितने 90 डिग्री। मैं आपको बता चुका हूं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री, 90 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी 13, ऑप्शन 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर 13 सेंटीमीटर अपार्ट, ए बी इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टच टू बोथ दी सर्कल्स एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन दी लेंथ ऑफ दी ए बी कितना होगा, 18, 144, 12, 12, 2, 24। अच्छा देखिए, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर 13 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा देखिए आपसे बोल रहा है कि एक सर्कल है 8 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर और एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस आपकी कितनी, आपकी 3 सेंटीमीटर, और कह रहा है ये कितनी दूरी पर है, दीज आर 13 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी इनके दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है कितनी, 13। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इनकी रेडियस गिवन है हमें 8 और 3, तो मान लेते हैं ये आपकी बड़े वाले की 8 ही रहेगी, छोटे वाले की 3 रहेगी। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस कितनी है, 3। ठीक है, ये है 3, ये है 8 और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 13 है। ठीक है, देन क्या पूछ रहा है, ये ए और बी पर टच करते हैं, तो मान लेते हैं ए और बी, देन दी लेंथ ऑफ दी ए बी, यानी कि आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है इस ए बी की। ठीक, तो देखिए कैसे निकाल पाएंगे, मैं आपको बता चुका हूं इसका तरीका। ठीक है, आपकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बराबर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स उसका स्क्वायर। ठीक है, आपका बनेगा 13, 13, 169 माइनस में R1 माइनस R2। ठीक है, मैंने बताया कि यहां R1 माइनस R2 इन दोनों के जो रेडियस है उनके बीच में डिफरेंस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में डिफरेंस आता है और जो ट्रांसवर्स में इनमें प्लस आता है, तो 8 में से 3 गए तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और इसका ले लीजिए अंडर रूट, तो ये बनेगा 144, 144 का बार है, आप आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर MNP SQP NQR एंड MSR आर द स्ट्रेट लाइंस। देखिए MNP और SQP NQR NQR
और MSR ये स्ट्रेट लाइंस है। NPQ आपको 54 गिवन है, ये रहा आपको 54 गिवन है NPQ, एंड QRS आपको 68, QRS ये आपको 68 गिवन है, ठीक है। देन द डिग्री ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल SMN, SMN किधर है आपका, SMN मतलब कि ये एंगल निकालना है आपको। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, ठीक, अगर मैं बात करता हूँ इस त्रिभुज, बड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूँ आर एम एन की, ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर ये थीटा है, ये 68 है, तो त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा आपका, 112 है माइनस थीटा, ठीक भाई। आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप अब इन तीनों एंगल्स का सम करोगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा और 112 और 68 180 हो जाएगा, तो त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 हो रहा, नहीं हो रहा, बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए अगर मैं बात करता हूं इस त्रिभुज एस एम पी की, ठीक है, तो ये 54 है और ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा मुझे बता सकते हैं क्या भाई, ये 54 है और ये थीटा है, तो तीसरा एंगल कितने का बचेगा, 180 में से 54 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 126, ठीक है, 126, तो ये वाला एंगल बनेगा आपका 126 माइनस थीटा। अब आप देख सकते हो इस त्रिभुज में एस एम पी में इन तीनों एंगल्स को आप सम करोगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा, 126 और 54 कितना हो जाएगा, 180। अब आप बड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज आपको नजर आ रही होगी क्या, कि एस एम एन ओ ये चारों पॉइंट्स इस सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एस एम एन ओ। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमें पता है आमने सामने के एंगल्स का सम आपका 180 होता है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, तो ये बनेगा 126 माइनस में थीटा प्लस में 112 माइनस में थीटा बराबर होगा आपका 180, ठीक, तो कितना बनेगा आपका 126 और 112 कितना हो जाएगा 238 माइनस में 2 थीटा बराबर 180, तो 2 थीटा को इधर ले आइए, 180 को इधर ले आइए, तो आपका बनेगा 2 थीटा बराबर 238 में से 180 घटा दीजिए माइनस में 180, तो 8 का 8 23 में से 18 जाएगा तो 5 बराबर 2 थीटा, और आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 डिग्री, यही आपसे पूछा था थीटा, तो ये होगा आपका 29 डिग्री। बोलिए कैसा लगा कॉन्सेप्ट, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 36 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड देयर एरिया। तो देखिए कितना आसान है, अगर हमारा पेरीमीटर का रेशियो गिवन है हमें 36 और 24, ठीक है भाई, रेशियो पूछा है तो ये हमें पेरीमीटर्स गिवन है, तो आप भी रेशियो ले लीजिए, 12 36 12 दूनी 24, अगर ये पेरीमीटर का रेशियो है तो मुझे बताइए आपका ये पेरीमीटर है तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा इनका स्क्वायर, 3 3 9 2 2 4, तो 9:4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर इज 64 सेंटीमीटर देन दे फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मैं, मेरे को ये एरिया गिवन है, एरिया के लिए चाहिए आपको थीटा, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो थीटा मैं आपको बता के आ रखा हूं होती है आपकी आर्क अपॉन में रेडियस, तो आर्क है आपकी 64, ठीक है, और रेडियस आपको गिवन नहीं है तो रेडियस आपको रेडियस लेने दीजिए, ठीक भाई, आपको थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये है आपकी 64/r, ये क्या है आपकी रेडियन में, ठीक है। आप एक काम करिए इसको डिग्री में कन्वर्ट करिए, अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आपका बनेगा 64/r इंटू में 180/π, ठीक, ये आपका आ चुका है डिग्रीज में, ठीक है, थीटा की वैल्यू। आपको पता है कि जो आपका एरिया होता है, आपसे पूछी क्या है, रेडियस पूछी है, जो आपका एरिया होता है वो कितना होता है, एरिया आपका होता है 128 आपको गिवन है एरिया, ये होता है आपका थीटा अपॉन में 360, थीटा की वैल्यू आपको गिवन है देखिए 64/r इंटू में 180/π, थीटा बन गया अपॉन में 360, तो मैंने 1/360 इसके बटे में ही लिख दिया, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं आर को आर रहने देता हूं, ठीक। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे बताइए पाई से कट जाएगा पाई, ठीक, देखिए आपका पाई से कट जाएगा ये पाई, और
180, ये स्क्वायर है, 180 से कटेगा आपका 360 दो बार, ठीक। एक आर से कटेगा आपका एक आर, ठीक। 64 से कटेगा दो बार 128, तो दो इधर और आर इधर बचाया आपका, तो आपकी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, यही आपसे पूछा था। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, दी आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर हैज ए लेंथ ऑफ 19 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस आपको गिवन है 30 और आपको आर्क गिवन है 19, ठीक है। देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए मैं आपको ये तो अभी दो क्वेश्चंस में बता चुका हूं कि आपका जो एंगल होता है थीटा बराबर ये होता है आपका आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क कितनी गिवन है आपको 19, ठीक है। 19 अपॉन में कितना रेडियस, यानी कि 30, ठीक है। ये क्या होता है आपका रेडियन में, अगर आप इसको बदलोगे किसमें, डिग्रीज में, क्योंकि आंसर आपको डिग्रीज में पूछा है, ठीक है। इन डिग्रीज तो बनेगा आपका कितना, 180 अपॉन में पाई, पाई का मान मैं रख देता हूं 22/7, 7 चला जाएगा मेरा, ठीक ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, 30 से कटेगा 180 छह बार, ठीक है। देखिए आपका 30 से कटेगा 180 छह बार, और आपका 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 7 21, 21 गुना में 19, ठीक है। तो बनेगा आपका 19 गुना में 21, तो 19 से कम 19 का 9 हासिल, 1 19 दूनी 38 और 1 39 अपॉन में 11, ठीक। 11 से काटिए, 11 दूनी 11 तिया 33, बचे 6, 11 छक्के 66, 36 पॉइंट समथिंग। देखिए एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर होंगे। देखिए आपका फर्ज बनता है, लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूं और मुझे मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज एल एंड द पेरीमीटर इज 4 पी, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। देखिए बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ द, देखिए मैं आपके लिए बनाता हूं पहले रोम्बस, ठीक। मान लेते हैं ये आपका रोम्बस है, ठीक। मैं इसकी साइड को मान लेता हूं ए, तो आपका ए ए ए, क्योंकि चारों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। अगर मैं इसके डायगनल्स को मिला देता हूं, तो इसके जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, बट बराबर नहीं होते, ठीक है ठीक है। अगर मैं इसके इस डायगनल को मान लेता हूं डी वन, ठीक है, और इस डायगनल को मानता हूं मैं डी टू, तो ये आपको पता है कि ये मिड पॉइंट पर मिलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका डी वन बाई टू, और ये क्या बनेगा आपका डी टू बाई टू, ठीक है ठीक है। क्या कह रहा है, सम ऑफ द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस इज एल। भाई आपको गिवन है कि डी वन प्लस में डी टू आपको गिवन है एल, ठीक। एंड पेरीमीटर इज 4 पी। आप मुझे बताइए पेरीमीटर कितना होता है आपका, पेरीमीटर होता है आपका 4a बराबर 4p, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा ए पी के बराबर है एक्चुअल में, ठीक है ठीक है, ए पी के बराबर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का एरिया क्या होता है मुझे ये बताइए। देखिए बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एरिया की मैं बात करूं तो हमारा होता है हाफ डी वन डी टू, हाफ डी वन डी टू साइन थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री पर काटते हैं, साइन 90 के वन, तो हाफ डी वन डी टू, ठीक है। एक्चुअल में आपको डी वन डी टू बाई टू निकालना है, हाफ डी वन डी टू निकालना है। अगर आप हाफ डी वन डी टू कैसे निकाल पाएंगे मुझे बताइए। आप एक काम करिए, इसका होल स्क्वेयर कर दीजिए दोनों तरफ। अगर आप इसका होल स्क्वेयर करते हो तो बनेगा आपका डी वन स्क्वेयर प्लस में डी टू स्क्वेयर प्लस में 2 डी वन डी टू, ठीक है, बराबर बनेगा आपका एल स्क्वेयर, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, ये जो अगर आप कहिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो ए की वैल्यू आपकी बनेगी ये क्या बनेगी, ए की वैल्यू बनेगी आपकी डी वन स्क्वेयर बाई टू, भाई इसका स्क्वेयर प्लस में इसका स्क्वेयर, डी वन स्क्वेयर बाई फोर प्लस में डी टू स्क्वेयर बाई फोर, ठीक है। तो ये बनेगी आपकी डी वन स्क्वेयर प्लस में डी टू स्क्वेयर बाई फोर, ठीक, ए की वैल्यू, ठीक है ठीक है। और आपका देखिए आपको चाहिए क्या,
एक काम करिए, आप यहां से 2d1d2 इधर ही रखिए, 2d1d2 बराबर बनेगा आपका एल स्क्वेयर माइनस में ये डी वन स्क्वेयर प्लस में डी टू स्क्वेयर, डी वन स्क्वेयर प्लस में डी टू स्क्वेयर। यहां से आप देखोगे, यहां से देखिए बड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर ये डी वन स्क्वेयर प्लस में डी टू स्क्वेयर बाई फोर आपका ए के बराबर है और ए आपका पी के बराबर है, भाई ए आपका पी के बराबर है तो मैं कह सकता हूं डी वन स्क्वेयर प्लस डी टू स्क्वेयर बराबर 4p। ठीक है, तो आपका ये जो डी वन स्क्वेयर प्लस डी टू स्क्वेयर ये 4p स्क्वेयर होगा, इधर जाके ये बनेगा 4p स्क्वेयर। ठीक, आपको चाहिए हाफ डी वन डी टू स्क्वेयर, तो आप दोनों तरफ 4 से डिवाइड और कर दीजिए। ठीक है, आप अगर इधर से 4 से डिवाइड करते हो तो इधर भी आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, जो एरिया बनेगा हाफ डी वन डी टू बन जाएगा, ये तो 2 से 2 कट जाएगा भाई, तो एरिया बनेगा आपका 1/4 एल स्क्वेयर माइनस में 4p स्क्वेयर। बोलिए कैसा लगा कॉन्सेप्ट, मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा, 1/4 एल स्क्वायर माइनस में 4p स्क्वायर। ठीक, देखिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबाइए प्लीज, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी जल्दी और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूं। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये कह रहा है आपसे, ये ट्रायंगल गिवन है आपको एबीसी जिसमें ए बी ए सी के बराबर, अगर ये इसके बराबर है तो आप मुझे बताइए ये 125 है तो ये वाला एंगल कितना बचा, ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180, ये 125 है तो ये कितना बचा आपका 55, अगर ये 55 है तो ये भी कितने का हो जाएगा, जब दोनों बजाएं बराबर है तो ये भी 55, 55 और 55 110, तो ये तीसरा एंगल आपका कितने का बचेगा, यही आपसे पूछा है, बीएसी 55 55 110 तो ये बचेगा आपका 70 डिग्री का, यही आपसे पूछा था, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल विद सेंटर ए इज 18 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल विद सेंटर बी इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट सीडी। तो देखिए कितना बन जाए, 18 144, 12 12 2 24, ऑप्शन कैसे बनेगा देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं एक सर्कल है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले आपको मैं वो बता देता हूँ, ठीक है, और एक और सर्कल है और ये दोनों एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और इसने बोला है कि एक जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस 18 है और जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस है 8, ठीक है, तो बना देते हैं, मान लेते हैं 8, ठीक, इसने बोला है इसकी डार्क, ये जो डार्क कॉमन टेंजेंट है इसकी लेंथ बता दीजिए, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको कैपिटल आर मानता हूं और इसको मैं अगर स्मॉल आर मानता हूं तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 2√R r, ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो अब आप देखिए कितना आसान हो जाएगा अब आपके लिए, आप मुझे बताइए ये जो आर है ये आपको गिवन है 18, ठीक है, और ये जो R है ये आपको गिवन है 8, ठीक, तो ये कितना बनेगा आपका, ये वैल्यू बनेगी आपकी 2√ में 18 × 8, 18 × 8 यानी 144 हो जाएगा आपका, 12 है 2 × 12 है यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 24, ऑप्शन 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इन दी गिवन फिगर D पैरेलल BC के है, इस DC के पैरेलल, इस BC के पैरेलल है D, ठीक है, डी पैरेलल बीसी के, ठीक है, AD 5 गिवन है आपको, ये रहा, DB 10 गिवन है आपको, ये रहा, AE 8 गिवन है, ये रहा, आपसे पूछा है AC यानी कि ये टोटल लेंथ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आपको थिल्स थ्योरम से पता है कि AD अपॉन में AB, मैं लिख देता हूं एक बार, AD अपॉन में AB बराबर होगा आपका AE अपॉन में AC, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है भाई, ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल कॉमन तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि 5/5 टोटल कितना हो गया है, 15, तो मैं लिख देता हूं 5/15 बराबर, ये ए कितना है आपका 8 और AC आपको निकालना है, तो ये कटेगा कितनी बार, ये कटेगा आपका 3 बार, 5 × 15 8 × 24, तो AC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24, यही आपसे पूछा था, ऑप्शन 1 आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ये बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आपका एक्चुअल में ये ट्रिपलेट्स तो है नहीं,
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे एरिया निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, कितना बनेगा, 18 12 30 और 10 40, यानी कि एस बनेगा आपका 20। तो एरिया कितना बनेगा आपका, अंडर रूट में 20 इंटू में 20 माइनस ए, 20 में से 10 गया तो 10, 20 में से 12 गए तो 8, और 20 में से 18 गए तो 2। ठीक ठीक है, अब देखिए इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। बस कैसे करेंगे, देखिए आप एक काम करिए, इसको आप लिख लीजिए 2 गुना में 10, ठीक है, और इस दोनों 10 में से 1 10 बाहर ले लीजिए, ठीक, और आपका इस 2 में से ये 2 1 2 भी बाहर आ जाएगा, ठीक, और इस 2 में से 5 और 10 में से 5 रह जाएगा, और इसमें से आपका 10 में से अगर मैं 2 से काटता हूं तो 2 से 5 और 2 से आपका 4, ठीक, और 5 चौक 20, भाई 2 से कटेगा 5 बार और 2 से कटेगा 4 बार, और मैंने 1 2 बाहर ले लिया, ठीक। आपका देखिए दोबारा देखिए, 18 12 30 और 10 40, 40 का आधा 20 तो आ गया आपका सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो आपने लिखा 20 माइनस में 10, यानी कि 10, 20 तो 20 लिख दिया, 20 में से 10 गए तो 10, 20 में से 12 गए तो 8, और 20 में से 18 गए तो 2, ठीक है। आपका बनेगा देखिए 8 दूनी 16, इस 16 में से आप 4 बाहर ले लीजिए, ठीक है, और आपका 20 दाम के 200, 200 में से आप 100 का 10 बाहर ले लीजिए, बचेगा आपका अंडर रूट में 2, यानी कि 40 अंडर रूट 2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सेम उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है जो हम करके आ रहे हैं, 2 3 क्वेश्चन। ए बी आपको कॉमन टेंजेंट दिख रहा है, ठीक है, टू बोथ द सर्कल्स एज गिवन इन द फिगर, फाइंड द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। देखिए आपको सेंटर्स के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो आप देखिए रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, अगर ये 90 है तो हमें पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 3 है 4 है तो इसको 5 होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आपका 15 है ये, तो ये 5 का 3 गुना है, 3 का 5 गुना है, 3 5 15, ठीक है, और ये बनेगा भाई 3 का ये 5 गुना है, ये क्या है 3 गुना में 5, तो ये बनेगा आपका 4 गुना में 5 और ये बनेगा आपका 5 गुना में 5, ठीक है, तो आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना 25। आपसे पूछा है इसके बीच की डिस्टेंस, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, 30 आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए कि यार मुझे एक चीज बताओ कि ये मैंने 15 है तो हमें पता है यार 8 15 17 का भी तो ट्रिपलेट होता है, तो अगर मैं इसको 8 मानता हूं और इसको 17 मानता हूं तो आपका 22 भी तो होना चाहिए अगर आप ऐसे हिट एंड ट्रायल लगा रहे हो तो, बट आप देखोगे ऑप्शन में तो 22 आपको कहीं दिख ही नहीं रहा, इसलिए आप ये एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, तो आपका आंसर होगा 30। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 6 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए कितना आसान है, आपको बेस गिवन है, हाइट गिवन है, एरिया नहीं निकाल सकते, 1/2 बेस इंटू में हाइट, यानी कि 15 गुना में 6, 2 से कटेगा कितना 3 बार, आपका 15 45 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अभी तक क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको गिवन है, ये एक फिगर गिवन है, देखिए फिगर आपको डायरेक्टली गिवन थे बहुत सारे क्वेश्चंस में, इस बार ये आपको फिगर गिवन है, आपसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ये ए बी की आपसे लेंथ पूछी है, गिवन इन द गिवन फिगर इफ इट इज गिवन दैट द बी डी इज 4, बी डी की लेंथ आपको गिवन है 4, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ए बी अपॉन में ए डी पूरा आएगा, क्योंकि भाई ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये कॉमन, तो दोनों सिमिलर तो है, ये तो लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब आप देखेंगे तो अगर मैं इस ए बी को एक्स मानता हूं तो आपका होगा देखिए एक्स अपॉन में एक्स प्लस 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक्स अपॉन में एक्स प्लस में 4 बराबर बनेगा आपका 3/6, ठीक है, क्योंकि भाई ये दोनों 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो ये बनेगा 3/6, ठीक, यानी कि ये कट जाएगा आपका 2 बार, तो बनेगा आपका 2x बराबर x प्लस में 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4, यही आपसे पूछा था, इस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4,
ऑप्शन चार आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज 1785 स्क्वायर फीट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 35 फीट एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 42 फीट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। देखिए इजी सा क्वेश्चन है वैसे तो, ये आपको एक ट्रेपीजियम गिवन है, ठीक है। मैं बना देता हूं आपके लिए एक ट्रेपीजियम, मान लेते हैं ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक। बना देता हूं आपके लिए, ये आपका कुछ इस तरीके से और इस तरीके से, आपका इस तरीके से एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। आपसे बोला है कि इसका एरिया तो 1785 है, ठीक है। इसने जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स 35, यानी कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 35 गिवन है आपको, ठीक है। और एक पैरेलल साइड भी गिवन है आपको, कितनी, 42। वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 42, ठीक है। मान लेते हैं ये आपको 42 गिवन है, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स, इसकी लेंथ आपसे पूछी है, ठीक है। और हाइट कितनी गिवन है आपको, 35, ये आपको गिवन है 35, ठीक। और एरिया आपको गिवन है 1785, ठीक। अब देखिए आपको चाहिए क्या, अब आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है, 1785 आपको एरिया गिवन है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। अगर मैं इस साइड को एक्स मानता हूं तो एक्स प्लस में 42, ठीक है, इनटू में हाइट होती है आपकी, हाइट गिवन है आपको 35, ठीक। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे बताइए, एक काम करिए 7 से काटिए, 7 पंजे 35, और 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 से काट लीजिए, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ये आ गया आपका 51, और 51 दूनी बनेगा आपका 102, तो x प्लस में 42 बराबर 102, तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, यही आपसे पूछा था, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 60, ऑप्शन वन आपका आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए, इन ए सर्कल इफ इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ द लेंथ 8 मीटर ईच, ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स। देखिए आपको गिवन है एक सर्कल है, ठीक है, और मान लेते हैं इसका सेंटर कहीं ओ है, ठीक है, और हमें गिवन है कि जो कॉर्ड है वो, दो कॉर्ड है जिनकी लेंथ है बराबर बराबर, यानी 8 8, तो दोनों साइड ही होंगी, ठीक है, एक साइड रहेगी तो भाई एक के ऊपर एक आ जाएगी वो, तो इसका मतलब ये 8 8 है, ठीक। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ठीक है। देखिए इसकी रेडियस भी गिवन है हमें, कितनी, 5, तो मैं रेडियस बना देता हूं, ये 5, ठीक है, और ये भी 5, ठीक, और मैं यहां से एक परपेंडिकुलर भी डाल देता हूं, ठीक है, सेंटर से दोनों कॉर्ड्स के ऊपर, ठीक है। अब देखिए हमें पता है अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये मिड पॉइंट पर मिलता है, और ये दोनों कॉर्ड्स की लेंथ 8 8 है, तो ये 4 होगा 4 होगा, और ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा, और हमें गिवन है कि जो रेडियस है वो 5 है, तो यानी कि ये 5 है तो ये भी 5 है, तो मुझे बताइए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 4 5 3 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 3 होगा और ये भी 3 होगा। आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स, तो कितनी हो जाएगी आपकी, 3 और 3 6, ये आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी ट्वाइस ऑफ एंगल ए बराबर थ्राइस ऑफ एंगल बी बराबर 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल अमंग दीज 3 एंगल्स। देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूं, मान लेते हैं आपका 2x बराबर 3y बराबर 4z है, ठीक है, तो आपको अगर एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है, बड़ा ध्यान से समझेंगे तो आप क्या करेंगे, अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको छिपा लीजिए, ये बनेगा आपका 3 3 3 चौक 12, इसके नीचे लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको वाई निकालनी है तो इसको छोड़ दीजिए, 4 4 दूनी 8, इसके नीचे लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको जेड निकालनी है तो इसको छोड़ दीजिए, 3 दूनी 6, इसके नीचे लिख दीजिए, 2 से काट लीजिए 6, 2 से काटिए 4, 2 से काटिए 3, तो 6 4 3 आपका रेशियो आएगा। इसी तरीके से आप ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी, तो देखिए अगर आपको ए निकालना है तो इसको छोड़िए, आपका 3 6 18, ठीक,
बी निकालना है तो बी को छोड़िए 2 छक्के 12, और सी निकालना है तो सी को छोड़िए 3 दूनी 6। ठीक है, अब आप इसको 6 से काट लीजिए। ठीक है, अगर आप 6 से काटेंगे तो आपका बनेगा 6 3 18, 6 3 18, 6 2 12 और 6 1 6। ठीक है, ये बोल रहा है सबसे बड़ा एंगल बताइए, तो मुझे बताइए 3 2 5 और 1 6 की वैल्यू आपको कितनी कितनी होती है आपकी, 180 डिग्री। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 30 डिग्री। और मुझे बताइए सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू आएगी आपकी 90 डिग्री। यही आपसे पूछा था लार्जेस्ट एंगल, ऑप्शन 2 आपका आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, देन द अदर टू साइड्स। देखिए, आपको समद्विबाहु राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि भाई ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए ये आपको गिवन है हाइपोटेनस 10, तो इसका स्क्वेयर कितना बन जाएगा आपका, 100। अब मुझे बताइए बाकी दो में किसका स्क्वेयर 100 बन रहा है, इसका देखते हैं आपका 10 10 100 2 200 200, ये तो होगा नहीं। इसका देखते हो 8 8 64 64, ये नहीं होगा। 6 6 36 2 72, 72 2 144, ये भी नहीं होगा। 5 5 25 2 50 और 50, बिल्कुल ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो 5 √2 5 √2 हो जाएंगे आपके। ठीक, या फिर आप दूसरा तरीका ऐसे भी अपना सकते हो, कैसे, देखिए अगर मैं कहूं कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों 45 45 के हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों 45 45 के हो जाएंगे तो मुझे बताइए ये आपका ये 1 और ये √2। ठीक है, अगर √2 की वैल्यू आपकी 10 गिवन है, 10 जो वैल्यू है वो √2 की है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मुझे बताइए। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना में 5 अपॉन में √2, √2 से कटेगा ये √2 टाइम्स, तो कितना आ गया आपका 5 √2। तो मैं कह सकता हूं कि 1 की वैल्यू 5 √2, तो ये 5 √2 और 5 √2 आ जाएंगी आपकी, ये आपके 5 √2 है, क्या 5 √2। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए बी इज ए कॉर्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ओ, द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन थ्रो ए बी इंटरसेक्टिंग ए बी एट पॉइंट सी, द लेंथ ऑफ ओ सी इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ए बी। देखिए क्या कहना चाह रहा है, समझेंगे। मान लेते हैं एक सर्कल गिवन है आपको, कह रहा है ए बी इज ए कॉर्ड, इसमें ए बी एक कॉर्ड गिवन है, तो मैं बना देता हूं। मान लेते हैं ये ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, और क्या कह रहा है, ए बी इज ए कॉर्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ओ, ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन थ्रो ए बी इंटरसेक्टिंग ए बी एट सी। ये कह रहा है, मान लेते हैं यहाँ कहीं सेंटर है, इस ए बी पर परपेंडिकुलर डालते हैं जो सी पर मिलता है। अब मैं नाम दे देता हूँ, ये कॉर्ड गिवन थी आपको ए बी, और ये सेंटर ओ से आपने इसके ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला है जो सी पॉइंट पर मिलता है। अगर परपेंडिकुलर डाला है तो ये हमें पता है मिड पॉइंट पर जाके मिलता है, इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, हमें रेडियस भी गिवन है आपको इसकी 13 है, तो मान लेते हैं ये 13 है, ये आपको 13 गिवन है। ठीक है, ए कॉर्ड इज ए बी इज ए कॉर्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ ओ सी इज 5, तो ये ओ सी की लेंथ आपको 5 गिवन है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 5 13, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 12। आपसे क्या पूछी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, तो ये 12 है और मिड पॉइंट पर मिलता है तो ये भी 12 होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 24। ठीक है, तो ए बी की लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी 24। ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन दी सेमी पेरीमीटर एंड दी साइड्स, सेमी पेरीमीटर एंड दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर, ये जो डिफरेंस गिवन है आपको ये 18 17 और 25 सेंटीमीटर की ये डिफरेंस है, किस किस में, सेमी पेरीमीटर और साइड में। अगर मैं त्रिभुज की तीनों साइड्स को ए बी सी मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, देखिए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है आपकी, ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी, मैंने ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए मान लिया, बी के सामने भुजा को मैंने स्मॉल बी, और सी के सामने की भुजा को मैंने स्मॉल सी मान लिया। अब ये कह रहा है कि सेमी पेरीमीटर और इन भुजाओं के बीच में जो डिफरेंस है वो 18 17 और 25 गिवन है, तो मैं कह सकता हूं कि एस माइनस में ए, ठीक है, ये गिवन है आपको 18 है, एस माइनस में बी ये गिवन है आपको 17 है, और एस माइनस में सी ये गिवन है आपको 25। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेंगल,
ठीक है, एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए सेमी पेरीमीटर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो ये कितना बनेगा मेरा 3s, अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं ठीक दोनों तरफ तो मेरा बनेगा 3s, माइनस में ये बनेगा आपका a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी क्या है आपका भाई, ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर यानी कि सेमी पेरीमीटर का डबल, तो मैं कह सकता हूं कि 2s। चलिए मैं एक बार लिख देता हूं आपका ए प्लस बी प्लस सी, ठीक बराबर ये बनेगा आपका 25 और 17 42, 42 और 18 60, ठीक ये क्या बन गया आपका, ये 2s के बराबर बन गया, तो 3s में से 2s जाएगा तो आपका बनेगा s बराबर 60। सेमी पेरीमीटर आपका 60 आ चुका है, ठीक। अब देखिए आपको निकालना है क्या, एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर एरिया निकालना है तो एरिया आपका क्या होता है, एरिया होता है आपका अंडर रूट में एस इंटू में एस माइनस ए, ठीक है। एस कितना है आपका 60 इंटू में एस माइनस ए कितना है आपका 18, एस माइनस बी कितना है आपका 17 और एस माइनस सी कितना है आपका 25। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप, ठीक। अब देखिए आपका इस 18 में से 2 रहने दीजिए, 9 बाहर ले लीजिए, ठीक है, 9 का 3 बाहर ले लीजिए, ठीक है भाई, 9 का 9 दूनी 18, ठीक है, इसमें से मैंने 3 बाहर ले लिया, ठीक है, 25 में से आपने 5 बाहर ले लिया, ठीक, और 15 चौका 60, इस 15 और 4 का मैंने 2 बाहर ले लिया, ठीक। अंडर रूट में बचा है आपका कितना, 15 दूनी 30 और 17 51 यानी कि 510। आपका एरिया कितना आ गया, 5 15, 15 दूनी 30, अंडर रूट में 510, ये आपका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्विस्ट किया था क्वेश्चन को, ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। आई होप आपको अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बहुत ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं जो आपके सीपीओ 2022 में आए थे, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है, थोड़ा अच्छा लेवल था, अगर तो मैंने बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको शेयर करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और देखिए कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, देखने से कुछ नहीं होता, आपको कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मुझे महसूस पता चले कि हाँ कि मेरी मेहनत काम आ रही है और आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए किसी अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, थैंक यू सो मच।